Hey family, good morning, सुबह हो गई है। वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। आज का सीन कुछ ऐसा है, हम जो अपने चिकन वगैरह लेकर आए थे उनके लिए हमें चिकन कूप रेडी करना है और उनका नए घर बनाना है, क्योंकि वो दो दिन हो गए मेरे पास आए हुए और वो जो बंद है तो मैंने एक स्टोर में बंद कर दिए थे उसके अंदर, लेकिन वेंटिलेशन बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है और बड़ी जगह है तो एक दो दिन तो वो आराम से रह लेंगे, लेकिन हमें उनके लिए एक परमानेंट घर बनाना होगा, क्योंकि जब उनका परमानेंट घर हो जाएगा तो फिर अंडे वंडे देना स्टार्ट कर देंगे और फिर हम करेंगे अंडों का बिजनेस और हम अमीर हो जाएंगे बहुत ज्यादा। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। तो जिसको भी अंडे खाने, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। अगर अच्छी नहीं लग रही है वीडियो तो कमेंट में बता देना, नीचे कमेंट सेक्शन भी है कि वीडियो कैसी बनानी है मेरे को। और वेलकम हो गया तुम्हारा न्यू पेट सीरीज में, और मैंने आजकल रेगुलर ब्लॉगिंग स्टार्ट की हुई है और आप जाके चेक कर सकते हो मेरे चैनल पर रेगुलर ही ब्लॉग आ रहे हैं तुम्हारे भाई के, क्या बात है। शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। हे यूट्यूब फैमिली, दिस इज साहिल खान, यू ऑल आर वॉचिंग SRP ब्लॉग। तो हम लोग आ गए अपने फार्म पर और मैंने इनको मुर्गियों को बाहर निकाल दिया है। अभी जो इनको बंद किया हुआ है वो यहाँ पर किया हुआ है और यहाँ पर जो है बिल्कुल ठीक। एक मिनट यार, ये क्या है? अरे भाई, इसने अंडा भी दे दिया। ओ भाई साहब, इसने अंडा दे दिया है, बहुत जल्दी अंडा दे दिया इसने। और अभी आए हुए तो इसको सिर्फ एक ही दिन हुआ है और इसने अंडा भी दे दिया यहाँ पर। तो हमारे सेटअप पर पहला अंडा आ चुका है यार, स्टार्ट हो गए इनके अंडे देना। मुझे बताया था उसने कि इनको कलेक्ट करना पड़ेगा आपको, और कलेक्ट कर लेंगे तो जल्दी इसको फिर मुर्गी के नीचे रख देंगे और इसमें से बच्चे निकल जाएंगे छोटे। मैं मजाक कर रहा था और मुर्गियों ने सीरियस ले लिया मेरी बात को, देख रहे हो अपने भाई की बात का वजन। चलो अब अंडे देना शुरू कर दिए तो खा लेते हैं ऑमलेट बना के, चलते हैं अभी दोबारा फार्म पर। मैं दो मिनट के लिए पर आया था वापस। तो मैं अभी थोड़ी देर के लिए घर पर गया था और यहाँ पर आ गई थी यार अभी एक बिल्ली और उसने हमला कर दिया था। वो तो ये खैर हो गई कि मैंने CCTV लगाया हुआ है तो उसके अंदर मैंने देख लिया, और मैं जल्दी से फिर वापस आया यहाँ पर। आने के बाद मैंने सबसे पहले तो इसको घुमा कर रखा है इस वजह से कि इसके जो सामने वाली मैंने जो नेट लगाई थी वो हल्की वाली लगाई है व्यू की वजह से, तो अब मैंने इसको घुमा दिया है और जो मजबूत वाली नेट है वो फ्रंट पे कर दी है। बाकी मैं सोच रहा हूँ कि मुझे इसकी थोड़ी सी जगह चेंज करनी है, इसको पीछे रखना है और कॉकटेल का जो केज है उसको आगे रखना है मुझे। तो मैंने इनकी पोजीशन चेंज कर दी है और कॉकटेल का जो केज है वो आगे रख दिया है, बाकी इसके पीछे मैंने कर दिया इसको। हमारी जितने भी चिकन्स हैं घर है हमें यहाँ बनाना चाहिए, लेकिन सारा सेटअप आगे हो जाएगा। यहाँ पर पिजन्स भी हैं और ये पिजन्स को मारती हैं, बाकी फिर यहाँ बनाएंगे तो फिर ये यहाँ निकलेंगी और यहाँ खाना स्टार्ट कर देंगी तो फिर इनकी आपस में लड़ाई हो सकती है। तो इनके लिए परफेक्ट जगह मिल गई है और इन्होंने खुद ही ने चुन ली है, यहाँ पर जगह ठीक भी है इनके लिए। हम इनका जो चिकन कूप है वो यहाँ पर बना देंगे तो ये यहाँ पर ठीक रहेंगी और यहीं पर फीड वगैरह खा लिया करेंगी, बाकी पिजन्स वहाँ हो जाएंगे और ये यहाँ हो जाएंगे तो आपस में डिफरेंस हो जाएगा काफी ज्यादा। हमारी चिड़ियों का पीछे करते करते आज शिकरा भी आ गया है हमारे फार्म पर और इसने इन केजेस को देख लिया है, और अभी इसने एक बार हमला किया था वो मैं शूट नहीं कर पाया, लेकिन अभी मैं दोबारा शूट करूंगा इसको। देखते हैं कि ये नीचे आता है, अगर आता है तो इसको सबक सिखाना पड़ेगा, नहीं तो यार ये हमला कर देगा। तो पैरेगल उड़ गया है यहाँ से और वहां जाकर बैठ गया ऊपर और बार बार बस यहीं के चक्कर लगा रहा है। फाइनली जो केज के लिए मैंने हंडियों के लिए बोला था और उनमें मैंने होल वगैरह भी करवा लिए हैं तो वो सब आ गए हैं अब हमारे पास होल होने के बाद में, तो अब इनको लगाते हैं हम सीधा केज के अंदर। बाकी इन्होंने कुछ ऐसा होल किया तो एकदम सेट रहेंगी और ये फिंचेस के केज में लगा देंगे हम लोग, और लगाते हैं अभी इनको प्रिपेयर करते हैं और फिर उसको टांग देंगे इसके अंदर। ये लगाते हुए गलती से मुझसे टूट गई, तो मैंने फिंचेस के केज के अंदर चार हंडिये लगा दिए हैं और ये अभी चेक कर रही है इसके अंदर नेस्ट कैसा रहेगा। बाकी कॉकटेल के केज के अंदर भी मैंने एक बड़ी वाली जो हंडिया आती है वो लगाई है। हमारे फार्म पर जितने भी पेट्स हैं मैंने उन सबको फूड वगैरह डाल दिया है और उनको बंद कर दिया है। बाकी रही बात चिकन कूप बनाने की, तो वो आज हम रात होने के बाद ही प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज्यादा है यार यहाँ पर, तो जब रात हो जाएगी तो थोड़ा सुकून हो जाएगा। वहाँ पर कूलर चलने के बाद भी कोई ठंडक नहीं हो रही है, वहाँ ज्यादा गर्मी ज्यादा है, टीन शेड की वजह से भी और ज्यादा गर्मी हो रही है। और रात में रेडी कर देंगे तो वो रात भर में सूख भी जाएगा, और कल हम अपनी जितने भी हैंस हैं चिकन हैं सबको उसके अंदर शिफ्ट कर देंगे। तो वेट करते हैं अभी रात होने का, तो अभी के लिए फिलहाल इनका फीड वगैरह चेंज करते हैं क्योंकि इनका पानी कम हो चुका है। बड़े केज के अंदर तो वैसे भी पानी कम हो चुका है और फ्रेंचिस को प्यास ज्यादा लगती है गर्मी ज्यादा होने की वजह से, पहले इनका फीड वगैरह सब चीजें चेंज कर देते हैं। इसको सॉफ्ट फूड डालते हैं और मैंने काफी ज्यादा जितने भी सीड्स थे उनका मिक्स एक सॉफ्ट फूड बना लिया है, रात भर भिगो कर रख दिया था, तो अब इनको डालते हैं कॉकटेल को भी और फ्रेंचिस को भी। मैंने इनको फीड वगैरह डाल दिया है, बाकी सॉफ्ट फूड भी डाल दिया है और कॉकटेल ने तो खाना स्टार्ट कर दिया है। इनको मैंने फर्स्ट टाइम दिया है सॉफ्ट फूड तो देखते हैं ये भी खाती है नहीं। अब शाम हो गई है और मैं आ गया था वापस घर पर, और चिकन कूप का काम जो है वो रात में रेडी हो जाएगा, लेकिन अब व्लॉग को यहीं पर एंड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे व्लॉग अपलोड भी करना है, तो बाकी जो उसकी अपडेट होगी वो आपको कल वाले व्लॉग में पता चलेगी। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं कल, तब तक खुश रहो ठीक रहो, होगी मुलाकात फिर।